मेरे जो शेख था उन्होंने है ना एक दफ़ा रफ़ा हाजत का तरीका बताया। पूरी सोसाइटी को लगाया गया कि जी जो कमोड यूज करता है वो मॉडर्न है और जो देसी सिस्टम यूज कर रहा है वो ऑकवर्ड है और वो आउटडेटेड है। अब जो दौर है वो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये दोबारा से आपको फितरत के ऊपर लेके आ रहा है। छोटे बच्चे को आप देखें, जो 1.5-2 साल का बच्चा हो जाता है ना, उसको आप देखें, जैसे ही उसको पता चलेगा ना मेरा टाइम आना शुरू हो गया, वो जमीन पर बैठ जाएगा। मेरी जो बिल्कुल इब्तदाई जो है ना बुलुगुल मराम की क्लास होती थी, तो वहाँ पे मेरे जो शेख थे उन्होंने है ना एक दफ़ा रफ़ा हाजत का तरीका बताया कि हमने अपनी जो नेचुरल कॉल है हमने वॉशरूम में कैसे बैठना है। अब वो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा, मैं बिल्कुल इब्तदाई क्लासें थी मेरी और वो मस्जिद में हमारा सेशन हो रहा था, तो वहाँ पढ़ रहा हूँ, तो वो बहुत से लोग बैठे हुए अपने अपने लोग काम कर रहे होंगे, कुछ नमाजें पढ़ रहे हैं, तो शेख हमें बता रहे हैं कि जी बेटा ऐसे तुमने जो है ना बैठना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ऐसे बैठा करते थे। अच्छा, अब वो बात ना उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आई, थोड़ी सी इंसान होता है ना कम इल्म होता है और इमेच्योरिटी होती है, तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि शेख साहब बता देते आपको करने की क्या जरूरत थी कि ऐसा ऐसा करना है ये। अच्छा, उसके बाद जो है ना, तो बेसिकली इंसानों ने हमेशा से अपने आप को इसी तरीके से ही जो है ना जो रफा हाजत थी ऐसे ही किया, फिर इंसानों ने तरक्की कर ली, कमोड सिस्टम लेके आए, फिर एक दौर एक फेज ऐसा आया है मैंने पाकिस्तान के अंदर देखा कि जी ये दो सिस्टम आना शुरू हो गए, एक कमोड सिस्टम हो गया और दूसरे को खाल में WC कहते थे, क्या कहते थे, जमीन वाला जो है देसी सिस्टम हमारा। अच्छा, अभी मैं बड़ा गहरी बात बता रहा हूँ, तो फिर पहले जो है ना पूरी सोसाइटी को लगाया गया कि जी जो कमोड यूज करता है बेसिकली वो मॉडर्न है और जो देसी सिस्टम यूज कर रहा है वो ऑकवर्ड है और वो आउटडेटेड है, ये लिटरली बता रहा हूँ आपके। और आज भी आप देखें कि जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं, पोटा हो गया, इस तरह के US के बड़े ब्रांड्स जो है, वो अब शायद कहीं पर आए होंगे वो जमीन वाले उसके ऊपर, उमूमी तौर पर आपको सारा जो बड़ा दिख रहा है वो चाहे वो इटालियन ब्रांड हो, US के ब्रांड हो, वो सारे जो है ना वो कमोड्स के ऊपर है। अच्छा, उधर आ गए। अच्छा, इंसान है ना चलता रहता है, तो पहले हम पूरी बहसियत कौम ना उसके ऊपर आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक रिसर्च जो है ना मेरे माइंड से नज़र से गुजरी, उस रिसर्च के अंदर मैंने देखा कि जी वो उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है बड़ी रिसर्च के, उसको कहते हैं स्कॉटी पॉटी। व्हाट इज स्कॉटी पॉटी, ये आज भी आप अमेज़न के ऊपर आपको $10-15 का मिल जाएगा। स्कॉटी पॉटी क्या चीज़ होती है, जब आप कमोड पे बैठे ना, तो कमोड पे बैठने के बाद आप स्कॉटी पॉटी रख लें और उसके ऊपर अपने आप जो ना टांगे रख लें। अब वो उन्होंने पूरी रिसर्च करने के बाद ना उनका कि 35 डिग्री का एंगल बनता है, डाइजेशन सिस्टम आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक नर्व एक मसल आपका लूज होता है, तो आपकी जो एक्सक्रीशन जो है वो आपकी इजीली जो है ना पास आउट हो जाती है। अब चाहे मैंने वो एंगल देखा, मैंने कहा ये जो जमीन पे बैठे हुए थे अब जमीन के ऊपर बैठ गए, मैंने कहा ये मॉडर्निज्म है, तो ये इंसान को समझना है। तो बेसिकली जो बात है ना, जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, वो अब दोबारा आप आ रहे हैं उसी फितरत के ऊपर, ठीक है। हाँ, ये है कि एक दौर था हमारे यहाँ, कहते हैं कि जी आप जो है ना वो प्रोसेस्ड ऑयल यूज करें, हाँ, देसी घी से दिल की नालियां बंद हो जाती है, नालियां बंद, अब दोबारा से ऑर्गेनिक। तो बेसिकली ये जो अब जो दौर है वो मैं इसको देख रहा हूँ कि ये दोबारा से आपको फितरत के ऊपर लेके आ रहा है। दोबारा से डिस्कस कर रहे थे जी, ये सरसों का तेल हो गया, देसी घी जो हो गए, अब पता चल रहा है जी ये इसमें जो ना कौन से फैट्स होते हैं और दूसरे वाले जो हमारे जो ये सोयाबीन और कौन कौन से ऑयल होते हैं, हाइजीन नहीं होता, हाँ, कौन से सारे कैंपेन सारी थे। गेम हमारा शुरू होना है यूमिनूना बिलगैब के साथ, तुम कर लो अपने एम्पेरिकल एविडेंसेस ले आओ, तुम उनको जो है ना स्कैनर्स उन्होंने किया ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की आई थिंक रिसर्च थी मुझे याद है, उन्होंने बकायदा कितने लोगों को कमोड पे बिठा के टेस्ट किया उन्होंने ना, उनके अल्ट्रासाउंड लगा के फिर उनको समझ में आया कि अल्लाह ताला ने जमीन में बिठाने का। और ये मैं आपको बताऊँ कितनी फितरी बात है, छोटे बच्चे को आप देखें जो 1.5-2 साल का बच्चा हो जाता है ना, उसको आप देखें जिसको थोड़ी सेंस आना शुरू हो जाती है, उसको जैसे ही उसको पता चलेगा ना मेरा टाइम आना शुरू हो गया, वो जमीन पे बैठ जाएगा, उसको कोई कमोड छमोड की जरूरत नहीं है, वो जमीन में बैठ जाएगा, अब वो उसमें डायपर पहना हुआ है जो भी पहना हुआ है। तो ये हमारा वो फितरी दीन है, करना क्या है हमने यूमिनूना बिलगैब, ये मैं वो कहते हैं ना स्केप्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं, कि मैं शकूक की उन वादियों से जाके वापस इस बात के ऊपर आया हूँ, यूमिनूना बिलगैब, सीइंग इज अनसीन जो है ना अनसीन, ये इज अ मर्सी फॉर अ बिलीवर। ये हमारे मुसलमानों को पता नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने जो बात कही है, पहले साबित कर लो कि अल्लाह के रसूल ने ये बात की है नहीं कही है, कुरान में ये बात है नहीं, अगर आ गई है ना ये बात, और फिर उसकी एप्लीकेशन भी देख लो सहाबा की, मतलब डिफरेंट वो करके देख लो, वो चीज आ गई है ना, फिर उस पर ये ना देखो उस पर फायदा, तो दुनिया का फायदा तो वैसे ही अल्लाह ताला देगा उसके अंदर, और आखिरत अल्लाह ताला ने रखी है। ये पूरा प्रेमिस है, मैं इसको रैप अप करता हूँ इस पूरे उसको मैंने किया।